Now the types of the active and passive transport. Passive transport is of three types. First passive transport is the diffusion. First passive transport is the diffusion. देखो डिफ्यूजन क्या है, आप सिंपली अपनी सराउंडिंग में देखते हो कि डेली रूटीन में हम एक पानी के अंदर शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, वो भी डिफ्यूजन है। एक गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है वो भी डिफ्यूजन ही है। यानी कि क्या है, जो हमारा सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है इसमें, और गैस जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी क्या है, डिफ्यूजन है। यदि आप दो मेटल के ब्लॉक्स को क्या है, आप रख दो बाइंड करके, तो वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच, सॉलिड में भी डिफ्यूजन है। यानी डिफ्यूजन क्या होता है, आपका मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। यानी कि इसमें तीनों मीडियम काम करते हैं, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। और ये सब्सटेंसेस आपके क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी ये तीनों मीडियम में क्या करता है, रोल प्ले करता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन के अंदर हम एग्जांपल डालें तो हमारा कौन सा आ गया, पल्मोनरी गैसेस एक्सचेंज। पल्मो वर्ड किसके लिए आता है, लंग्स के लिए। आपके लंग्स आपकी ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को क्या कर रहे हैं, बाहर। तो ये गैसेस एक्सचेंज भी आपका किसकी वजह से है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि प्रोसेस काफी क्या है, स्लो। सेकंड इसके अंदर जो रोल प्ले करता है वो होता है इंजन सेकंड टाइप, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो बायो में बहुत जगह वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस, ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये आते हैं। ऑस्मोसिस जो वर्ड आता है याद रखना हमेशा किसके लिए आता है, वाटर या सॉल्वेंट के लिए आता है। ओस्मो वर्ड जो आता है मैंने बताया किसके लिए आ रहा है, सॉल्वेंट के लिए। यानी कि इसमें हम क्या करें कि जो आपका क्या है, मूवमेंट हो रही है वो किसकी होती है, सॉल्वेंट की। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो मैंने दोनों डेफिनेशन वाली इंक्लूड की है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है, पानी मोर है, तो यानी कि क्या, हाई कंसंट्रेशन हो गई किसकी, ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन आपको करवाई थी इंट्रोडक्शन बताया था, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट को अलाउ करती है। ये वर्ड डालना जरूरी है डेफिनेशन में, अदरवाइज डेफिनेशन क्या है, वो नहीं है। तो इसमें आपका क्या है, ये ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस का जो सबसे बड़ा हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप देखो रेजिंस किशमिश पानी में डालते हो तो पानी उसमें एंटर कर गया, वो भी एक एग्जाम्पल किसका है, आपका ऑस्मोसिस का। बल्कि इसके अलावा जो हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करें, जब हम किडनी वाला चैप्टर करेंगे क्या, एक्सक्रीशन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक स्टेप आता है, उसमें पानी और यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो वो किस प्रोसेस से होता है, आपका ऑस्मोसिस से। यानी कि इसका एग्जाम्पल हमने, तो एग्जाम्पल में आपका क्या है, एक आप ये भी ले सकते हो प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट्स है, कि यानी कि जब प्लांट सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो वो सेल वाटर क्या कर देती है, लूज कर देती है, तो वो पानी हाइपरटोनिक में लूज करेगी तो उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। या मैंने सेकंड एग्जांपल आपको कौन सा बताया, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूरिया फ्रॉम निफेरिक फिल्ट्रेट। तो ये एग्जांपल भी आपका किसमें आता है, ऑस्मोसिस में। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज द फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट। जो आपका क्या होता है, फैसिलिटेटिव, यानी कि जो आपका क्या है, फैसिलिटेटिव,
क्योंकि इसमें मटेरियल का जितना भी आपका क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है, और ये ट्रांसपोर्ट आपका क्या है किसके थ्रू होता है, ये ट्रांसपोर्ट आपका जो फैसिलिटेटेड वाला आपका है ये होता है एक्टिविटी वाला, क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन की क्या होती है नीड होती है, कैरियर प्रोटीन एक्टिव में भी चाहिए और कैरियर प्रोटीन इसमें चाहिए, यानी कि कुछ पॉइंट से तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिजेंबल करता है और कुछ से ये क्या करता है डिफरेंस करता है, यानी कि क्या है आपको बताया कौन सा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन बट बाय कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, ये टर्म आपकी कहां के लिए आगे कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, ये आगे पैसिव ट्रांसपोर्ट बट बाय कैरियर प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन टर्म हमने कहां से की थी एक्टिव में, यानी कि ये करैक्टर इसका रिजेंबल करता है किससे एक्टिव से, एक्टिव सिलेक्टिव था तो ये फैसिलिटी भी आपका कैसा हो गया सिलेक्टिव हो गया। तो इसमें एग्जांपल आता है जैसे देखो हम अपनी बॉडी में फ्रक्टोज एक शुगर है, आप जितना भी चीनी वाले सब्सटेंस खाते हो जैसे स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न में जो फ्रक्टोज होती है और फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में आरबीसी में होता है वो किससे होता है फैसिलिटेटेड से, एफ से एफ, ये जल्दी लर्न हो जाएगा आपको कि जो हमारी बॉडी में क्या होना आपका एब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज किसके अंदर आरबीसी, क्योंकि हमारा फूड जितना भी डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है वो किसमें होता है ब्लड सेल्स में। दीज आर द टाइप्स ऑफ द थ्री मेन टाइप्स, वन इज द डिफ्यूजन, सेकंड इज द ऑस्मोसिस, थर्ड इज द फैसिलिटेटिंग। जो डिफ्यूजन है ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस तीनों की मीडियम में काम करता है, चाहे मीडियम आपका क्या है सॉलिड या लिक्विड या क्या है गैसेस। फिर आता ऑस्मो वर्ड, मैंने आपको बताया ये सॉल्वेंट में ये काम करता है, यानी कि जब लिक्विड की मूवमेंट कहीं भी दिखाओगे आप तो वो कौन सा प्रोसेस यूज करोगे ऑस्मोसिस। बट पैसिव की एक वो टाइप जो रिजेंबल करती है एक्टिव से भी, जिसकी नेचर कैसी है सिलेक्टिव भी है, सिलेक्टिव है तो कुछ ही सब्सटेंसेस को जो अलाउ कर रहा है वो आपका कौन सा होता है दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका क्या है ये किसके अंदर आता है पैसिव में। नाउ द टाइप्स ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक तो आपको बताई दिया कि जिसमें आपको एनर्जी की नीड है, प्रोसेस कैसा होता है फास्ट बताया, अकोमोडेशन में क्या कर रहा है रोल प्ले कर रहा है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स करें तो इसकी जो फर्स्ट टाइप आती है ये टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप इसमें हम करें तो ये फर्स्ट टाइप आपकी क्या होती है एंटोसाइटोसिस, और सेकेंड टाइप इसके अंदर आती है आपकी क्या एक्जोसाइटोसिस। देखो एज द नेम इंडिकेट एंटो मीन इनर, साइटोसिस मीन सेल, यानी कि जब मटेरियल इनटेक कर रही है कौन सेल तो उसे हम क्या बोलते हैं एंटोसाइटोसिस। एक्जो मीन बाहर, जब क्या हो रहा है सेल कुछ सब्सटेंसेस को क्या कर रही है रिलीज कर रही है, यानी एंटोसाइटोसिस आपका क्या होता है इनटेकिंग ऑफ मटेरियल्स, इनटेकिंग ऑफ द मटेरियल्स बाय द सेल, बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, द लेंथ फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्जोसाइटोसिस जो होता है वो क्या है उल्टा, तो इसमें आप क्या बोलोगे इसे ना सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं, अदर्स नेम्स भी कई बार आ जाते हैं, क्या बोलते हैं सेल वोमिटिंग। सेल वोमिटिंग क्यों बोलते हैं, जब आपको वोमिट होती है तो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है, इसी तरह सेल भी जब अपने अंदर से कुछ रिलीज करेगी तो सेल वोमिटिंग। अदर नेम इसका जो आता है इसे हम क्या बोलते हैं ई फैगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम ई फैगी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है आपका एक्सपेलिंग ऑफ मटीरियल्स, एक्सपेलिंग ऑफ मटीरियल्स बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें आपका एग्जांपल हम डाले बहुत सारे एग्जांपल है, अभी मैंने बताया जैसे सक्रीशंस, ग्लैंड की सक्रीशंस होना, न्यूरोट्रांसमीटर की सक्रीशंस होना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एक्जोसाइटोसिस।
ग्लैंड सेक्रीशन, चाहे ग्लैंड सेक्रीशन आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड हो चाहे आपके हार्मोन हो। सेकेंड इसमें आता है न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीशन, न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीशन बाय नर्व सेल, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। बट जो एंडोसाइटोसिस होती है ये फर्दर दो टाइप्स की होती है। एक एंडोसाइटोसिस आपकी कौन सी होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, क्योंकि इनटेकिंग ऑफ मटेरियल हो रहा है तो बॉडी में टू टाइप्स के मटेरियल होते हैं। वन तो सॉलिड फूड अंदर जा रहा है, वन पार्ट आपका कौन सा जा रहा है, लिक्विड पार्ट जा रहा है। जब इसके अंदर आपका क्या है, सॉलिड जो आपका क्या है, फूड अंदर जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और एक आपका क्या आता है, जब लिक्विड पार्ट जाता है, पिनोसाइटोसिस। वन टाइप इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, इट इज टुडे या रीसेंट टाइम इट इज नोन एज ओटोसाइटोसिस। अर्लियर वी कॉल्ड द पिनोसाइटोसिस, बट द रीसेंट टाइम्स वी इज कॉल्ड ओटोसाइटोसिस। और दूसरा हमारा क्या है, इसके अंदर जो टाइप्स रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फैगोसाइटोसिस। कौन सी टाइप, फैगो। फैगोफोर क्या होता है, फूड, यानी कि इसमें इनटेकिंग किसकी होगी, फूड की। इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं फैगोसाइटोसिस, इट इज कॉल्ड सेल ईटिंग। और जो फोटोसाइटोसिस है इसका अदर नेम आता है, इसे बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। यानी कि क्या है, इसमें जो आपका क्या होता है, इनटेकिंग ऑफ मटेरियल्स है वो किसकी है, लॉन्ग साइड लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग है तो इसमें क्या है, इनटेकिंग ऑफ लार्ज साइज लिक्विड। और जब लार्ज साइज आपके क्या होता है, लिक्विड न्यूट्रिएंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस या फोटोसाइटोसिस। इसमें देखो एग्जांपल आता है, जैसे देखो आपकी क्या है, बोन्स है, बोन्स के अंदर बोन मैरो है। आपको पता है कि जो हमारा बोन मैरो है वो ब्लड बनाता है, ब्लड बनाता है तो ब्लड में आयरन होता है, जैसे हम हीमोग्लोबिन बनता है, तो आयरन का जो अपटेक हो रहा है किससे, बोन मैरो से, तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म रोल प्ले कर रहा है, फोटोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल क्या बताया आपको, एब्जॉर्प्शन होना, किसका होना, आयरन का, इनटेकिंग ऑफ आयरन, फॉर एग्जांपल इनटेकिंग ऑफ आयरन बाय बोन मैरो। और ये एग्जांपल आपका किसके अंदर आता है, दैट इज फोटोसाइटोसिस। सेकेंड जो आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, बता दिया। फैगोसाइटोसिस का दूसरा नेम क्या है, सेल ईटिंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस में आपका क्या रहता है, इनटेकिंग ऑफ फूड, इनटेकिंग ऑफ फूड, इसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का क्या है आपका एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जितना भी आपका टेक अप फूड, अमीबा टेक अप फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मी पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। ये अमीबा किस मेथड से फूड को लेता है, तो ये किस मेथड से फूड को ले रहा है, फैगोसाइटोसिस। अब देखो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ द टू टाइप, वन इज एंडोसाइटोसिस, सेकंड इज एक्टोसाइटोसिस। एक्टोसाइटोसिस इज अ सेल वॉमिटिंग और ई फैगिंग, एंडोसाइटोसिस इज द इनटेकिंग ऑफ द मटेरियल्स। इफ वी टेक द लिक्विड पार्ट इट इज कॉल्ड फोटोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, इफ वी ईट अप द फूड तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। द एग्जांपल ऑफ द फैगोसाइटोसिस इज द अमीबा एंड द फोटोसाइटोसिस द इनटेकिंग ऑफ द आयरन बाय बोन मैरो। देयर आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर मेटाबॉलिज्म।